दिल्ली के नरेला की अगर बात की जाए तो नरेला में प्लास्टिक का जो गोडाउन है इसके अंदर आग लगी है, कबाड़ा का गोडाउन है, देख सकते हैं चारों तरफ जो धुआं ही धुआं वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दमकल की एक दर्जन से जो ज्यादा गाड़ियां वो मौके पर पहुंची है। नरेला का ये औद्योगिक क्षेत्र के ठीक पीछे गोडाउन है, डीडीए का ग्राउंड बताया जा रहा है, और यहीं पर कुछ कबाड़ी काफी समय से अपना जो कबाड़ा बीन कर वो यहाँ पर डालते थे, इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और आज सुबह सुबह यहाँ पर इस गोडाउन के अंदर आग लगी है और देखते ही देखते चारों तरफ जो आग है वो फैल गई, क्योंकि काफी दूर तक जो कबाड़ी है वो यहाँ पर अपना सामान रखे हुए थे और इसी कबाड़े के अंदर जो आग लगी है, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो आग की अगर बात की जाए तो आग लगने का जो सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं काफी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं चारों तरफ अगर बात की जाए तो जो फायर की गाड़ियां है वो मौके पर पहुंची है, फायर फाइटर्स लगातार जो आग को काबू करने में है वो जुटे हुए, ऐसे में धुआं काफी है, धुएं की वजह से दिक्कतें भी आ रही है फायर फाइटर्स को आग को काबू करने में। लेकिन जो लगातार जो दमकल कर्मी उनका ये कहना है जल्दी जो आग है उस पर काबू पा लिया जाएगा। और यहाँ पर काफी संख्या में ऐसे जो गरीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना जो सामान इकट्ठा किया था और इसी से इनकी जो रोजी रोटी है वो चलती थी, बिल्कुल तो ये देख सकते हैं काफी संख्या में जो यहाँ पर जो पब्लिक है वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो फायर फाइटर्स है वो लगातार आग को काबू करने में जुटे हुए हैं। और एम्बुलेंस की जो गाड़ियां वो भी मौके पर पहुंची है कि अगर कोई घायल होता है तो तुरंत ही उनको पास के जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात राहत की बात यही है कि इस आग के अंदर कोई भी यहां पर झुलसा नहीं है और जो यहां पर जो कबाड़ी थे, जो गरीब लोग थे, उनका नुकसान की अगर बात की जाए तो वो भी काफी हुआ है। और यहाँ पर लगातार जो फायर फाइटर्स है वो आग को काबू करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल देखना ही है कि आग जो काबू है उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या इसके अंदर कोई है या नहीं, ये जांच का विषय कि ये आग कैसे लगी है।